जापान के प्रधानमंत्री श्रीमान सिंजे आबेशान, गुजरात के गवर्नर श्रीमान ओपी कोहली जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी रेल मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी रेल राज्य मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी, श्रीमान राजन गोहाई जी, जापान से आए हुए विशिष्टगण और यहां इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, अपने करीबी मित्र श्रीमान अबेशा का मैं भारत में और विशेषकर गुजरात की धरती पर एक बार फिर बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। अने मारे तमने पण बधाने अभिनंदन आपवा छे। विश्वना एक नेता ने, जापान ना प्रधानमंत्री ने अने भारत ना परम मित्र ने अने मारा अंगत मित्र ने जे रीते तमे स्वागत सम्मान कर्यो, गई काल जे दृश्य बताया, जे वातावरण बनाव्यो, हूँ हृदयपूर्वक सौ गुजरात वासियों नो आभार मानो छो। साथियों, कोई भी देश आधे अधूरे संकल्पों और बंधे हुए सपनों के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सपनों का विस्तार ही किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति की उड़ान तय करने का सामर्थ्य रखता है। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है, इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। आज भारत ने अपने एक बरसों पुराने सपने को पूरा करने की ओर एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है। मैं देश के 125 करोड़ देशवासियों को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का इस भूमि पूजन के अवसर पर कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति और उसके साथ तेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है, जिसमें सुविधा भी है, सुरक्षा भी है, जो रोजगार भी लाएगा और वो रफ्तार भी लाएगा, जो ह्यूमन फ्रेंडली भी है और इको फ्रेंडली भी है। आज का दिन जापान और भारत के रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक और उतना ही भावात्मक अवसर भी है। एक अच्छा दोस्त हमेशा
समय और सीमा के बंधनों से परे होता है। और आज जापान ने दिखा दिया है कि वो भारत का कैसा मजबूत दोस्त है। जो सीमा और समय से परे है, मुंबई अहमदाबाद के बीच भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का भी एक उम्दा उदाहरण है, एक प्रतीक है। अगर आज इतने कम समय में इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे परम मित्र श्री अबे शान को जाता है। श्री शिंजो आबे ने व्यक्तिगत रुचि लेकर ये सुनिश्चित किया कि प्रोजेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथियों, मानव सभ्यता का विकास यातायात के साधनों के विकास के साथ बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन पर गौर करें तो देखेंगे कि उस समय गांव, शहर और लोग नदी के तट पर बसते थे, और यही वो क्षेत्र होते थे जो विकास का केंद्र बनते थे। उसके बाद सड़कें विकास का माध्यम बनी, और जहां जहां से हाईवे गुजरते थे वहीं पर शहर बसना शुरू हो गए। और अब नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ वहीं पर होगी जहां हाई स्पीड कॉरिडोर होंगे। साथियों, किसी भी देश के विकास में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, चाहे वो रेल हो, सड़क हो, जलमार्ग हो या वायु मार्ग हो। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश में कनेक्टिविटी का आधार बनाती है, और कनेक्टिविटी का लाभ देश के लोगों को विभिन्न तरीकों से मिलता है, अनेक प्रकार से मिलता है। जो लोग अमेरिका के इतिहास को जानते होंगे, अमेरिका के इतिहास में आज पूरा विश्व जानता है कि रेलवे जाने के बाद कैसे अमेरिका में आर्थिक प्रगति का नया दौर शुरू हुआ था। अभी हमारे मित्र अबे शान बता रहे थे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान का हाल क्या था, कैसी भयानक जिंदगी थी, कैसी गरीबी थी। लेकिन 1964 में जापान में बुलेट ट्रेन चली, और फिर ये तकनीक धीरे धीरे दुनिया के 15 देशों में फैली और उसने जापान के अर्थ जगत को बदल दिया। आज यूरोप से लेकर चीन तक इसका छाया नजर आता है। हाई स्पीड रेल इन देशों में न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने में भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका उसने अदा की है। तब से लेकर के अब तक समय बहुत बदला है, जरूरतें बदली हैं, और इसलिए प्रयास करने के तरीकों में भी बदलाव बहुत ही आवश्यक है। समय के साथ छोटे छोटे प्रयास किए गए हैं, नई चीजें जोड़ी गई हैं, लेकिन अब वक्त धीरे धीरे बढ़ने का नहीं है। समय ज्यादा इंतजार नहीं करता। टेक्नोलॉजी जो पिछले 100 साल में नहीं बदली होगी, वो पिछले 25 साल में
बदल चुकी है। अब इतनी तेज गति से बदलाव आ रहा है तो आज हमारा जोर कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर हमारी प्राथमिकता है, हमारा जोर है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी से स्पीड बढ़ेगी, डिस्टेंस घटेगी, आर्थिक प्रगति के नए अवसर खुलेंगे। साथियों, किसी भी देश में आर्थिक प्रगति का सीधा संबंध होता है प्रोडक्टिविटी से। ग्रोथ तभी होगी जब प्रोडक्टिविटी होगी। हमारा जोर है मोर प्रोडक्टिविटी विद हाई स्पीड कनेक्टिविटी। साथियों, आज इस अवसर पर मैं जापान के एक और मित्र भाव की विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। हम भारतीय और विशेष करके हम गुजराती और अहमदाबादी जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं या बिक्री की बात आती है तो बराबर तोल मोल का हिसाब लगाते हैं, एक एक पैसे का हिसाब लगाते हैं, घाटे और फायदे के रूप रंग बराबर चकासते हैं। जब हम एक छोटा सा बाइक भी खरीदने के लिए जाएं और बैंक से लोन ले जाएं तो 10 बैंकों में चक्कर काटेंगे, एक बैंक में 10-10 बार जाएंगे। और कम रेट से, कम ब्याज दर से कौन लोन देगा उसका जरा हिसाब लगाते हैं। कोई बैंक 8% बताती होगी, कोई बैंक 9% बताती होगी, और फिर हम हिसाब लगाते होंगे, जोड़ तोड़ करते होंगे कि इतने परसेंटेज ब्याज से अगर मैं बाइक लाता हूं और जब बैंक को मैं ब्याज समेत पैसे लौटाऊंगा तब मेरे बाइक की कीमत क्या बनेगी, कितने साल में बनेगी। ये बहुत बारीकी से देखते हैं। बैंक वाला भी थक जाए उतनी बार बैंक के दरवाजे पर जाते हैं, जरा यार कम करो, 8% में नहीं बाइक ले सकता, 9% में नहीं ले सकता, थोड़ा कम करो, 0.5% भी कोई कम कर दे तो खुशी मनाते हैं। ये हम भली भांति जानते हैं और अहमदाबादी तो शायद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए दोस्तों, कोई ऐसा दोस्त, ऐसी बैंक नहीं मिल सकती जैसे भारत को अब ईशान जैसा दोस्त मिला है, दोस्त जापान जैसा दोस्त मिला है। अगर कोई ये कहे कि बिना ब्याज के ही लोन ले लो और 10-20 नहीं 50 साल में चुकाना, तो कोई यकीन करेगा क्या? लोगों को ऐसा बैंक नहीं मिलते, लेकिन भारत को ऐसा दोस्त मिला है जिसने बुलेट ट्रेन के लिए 88,000 करोड़ रुपया, 88,000 करोड़ रुपी सिर्फ 0.1%, 0.1% ब्याज दर से ये बुलेट ट्रेन के लिए पैसा देने का फैसला किया है। मैं हैरान हूं, जब मैं गुजरात में था तब मैं बुलेट ट्रेन की जब बात करता था तो मुझे पूछा जाता था, मोदी बातें करता है बुलेट ट्रेन क्यों लाए, कब लाएंगे, कब लाएंगे, कब लाएंगे। अब जब लाना शुरू किया तो पूछ रहे क्यों लाए। भाइयों बहनों, ये बुलेट ट्रेन एक प्रकार से जापान की भारत को बहुत बड़ी सौगात है। एक प्रकार से मुफ्त में ये पूरा प्रोजेक्ट बनता जा रहा है और मैं जापान का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इस प्रोजेक्ट के लिए तकनीक और आर्थिक मदद के साथ भारत के सहयोग के लिए आज हमारे साथ जुड़ा है, आगे आया है। भाइयों और बहनों,
इस हाई स्पीड रेलवे सिस्टम से ना दो सिर्फ दो जगहों के बीच दूरकर्मी होगी बल्कि 500 किलोमीटर दूर बसे दो शहरों के लोग भी और निकट आ जाएंगे और पास आ जाएंगे। और इसलिए मैं तो कहूंगा यह ट्रेन आमरू अहमदाबाद से आमची मुंबई जाएगी। जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो मुंबई और अहमदाबाद की दूरी 2 से 3 घंटे के भीतर भीतर पूरी की जा सकेगी। अगर हम हवाई यात्रा से इसकी तुलना करें तो जितना समय लोगों को एयरपोर्ट जाने में, वहां की औपचारिकता पूरी करने में और फिर हवाई यात्रा के बाद अपने घर या दफ्तर पहुंचने में जितना समय लगता है, उससे भी आधे समय में ये हाई स्पीड रेल से मुंबई जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आएगा, लोगों का कितना समय बचेगा। मुंबई अहमदाबाद सड़क रूट पर जो हजारों गाड़ियां हर रोज चला करती हैं उसमें भी कमी आएगी, इसका पर्यावरण पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और जब ईंधन बचेगा तो विदेशी पूंजी भी बचेगी क्योंकि हमें सारा ईंधन विदेशों से लाना पड़ता है। साथियों, इस प्रोजेक्ट के साथ मुंबई अहमदाबाद रूट पर एक नया इकोनॉमिक सिस्टम भी विकसित होने जा रहा है। दोनों शहरों के बीच का पूरा एरिया एक प्रकार से सिंगल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित हो जाएगा। हाई स्पीड कॉरिडोर से न सिर्फ यातायात तेज होगा लेकिन ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और इससे चाहे ट्रांसफर ऑफ मैन पावर हो या सामानों की ढुलाई हो, ये बहुत ही सरल और सुगम हो जाएगी। इससे देश का विकास भी होगा और मैंने जैसे पहले कहा, देश को एक नई रफ्तार मिलेगी। एक धारणा सी बन गई है कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो सिर्फ अमीरों के लिए आती है, जबकि अनुभव कुछ और होता है। टेक्नोलॉजी गरीबों के एम्पावरमेंट के लिए अगर उपयोग किया जाए तो गरीबी के खिलाफ की लड़ाई बहुत तेजी से हम जीत सकते हैं। और इसलिए हमारा मकसद है इस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग करते हुए उसको इतना एफोर्डेबल बना दिया जाए कि देश के गरीब की जिंदगी के साथ वो जुड़ जाए। मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी का लाभ तभी है जब देश का सामान्य नागरिक भी इसका भली भांति उपयोग कर सके। आज जब हम रेलवे में नवी एवं अत्याधुनिक तकनीकों को जोड़ रहे हैं तो हमारा पूरा प्रयास है कि देश के सामान्य मानवी को न्यू टेक्नोलॉजी का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के दौरान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रेलवे को फायदा होगा, क्षेत्र के टेक्नीशियंस, वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, उनको भी लाभ मिलेगा और एक तरह पूरा नेटवर्क जो है रेलवे का, उसको नएपन की ओर आगे जाना पड़ेगा और उसको लाभ मिलेगा। साथियों, टेक्नोलॉजी हमें भले जापान से मिल रही है लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए अधिकांश संसाधन भारत में ही जुटाए जाएंगे और इसलिए हमारे उद्योगों को भी वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने होंगे और उनकी समय पर सप्लाई भी करनी होगी। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बल देना पड़ेगा। इससे मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी। डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के हजारों अवसर भी ये प्रोजेक्ट अपने साथ लेकर के आ रहा है। साथियों, देश में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम न्यू इंडिया की आवश्यकता है, न्यू इंडिया का सपना है, और इसलिए हम देश के फ्यूचर प्रूफिंग पर ध्यान दे रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सके। रेलवे हो, हाईवेज हो, वाटरवे हो या एयरवेज हो, हमने सभी क्षेत्रों में एक समान इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है और अप्रत्याशित गति से कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आज पहले से ज्यादा तेज गति से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। जीएसटी का फायदा देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मिला है और ट्रकों के द्वारा प्रतिदिन तय की जाने वाली दूरी 30% बढ़ी है। अगर पहले गुड्स लेकर के जाने वाला एक ट्रक एक दिन में अगर 200 किलोमीटर जाता था, तो जीएसटी आने के बाद, चेक पोस्ट की मुसीबतें दूर होने के बाद, आज वही ट्रक 200 किलोमीटर के बजाय 250 किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा एक दिन में कर लेता है। यानी पूरी इकोनॉमी में, गति में ये 30% की बढ़ोतरी एकमात्र जीएसटी के निर्णय के कारण संभव हुई है, और उसके कारण लोगों को सस्ता सामान पहुंचाने की संभावना बनने वाली है। सरकार जल मार्गों को परिवहन के पर्यावरण अनुकूल तरीके के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 106 अतिरिक्त नदियों को नेशनल वाटरवेज के रूप में विकसित करने का काम दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में एविएशन सेक्टर भी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। पिछले 3 वर्षों में डोमेस्टिक फ्लायर्स की संख्या में, हवाई जहाज में सफर करने वालों की संख्या में लगभग 3 करोड़ यात्रियों की वृद्धि हुई है। एविएशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए पहली बार नेशनल एविएशन पॉलिसी हमने बनाई है। मध्यम वर्ग के जीवन में उड़ान योजना के माध्यम से बदलाव लाया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के 70 छोटे शहरों को जोड़ा जा रहा है, ताकि देश का आम नागरिक कभी सस्ती हवाई सेवाओं का भी वो फायदा उठा सके। वर्तमान रेल व्यवस्था को सुधारने और आधुनिक तकनीक के आधार पर नए रेल नेटवर्क के निर्माण दोनों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। हमने रेलवे ट्रैक उसको डबलिंग करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, इस काम को भी तेजी से आगे बढ़ाया है और पहले से ज्यादा तेज गति से काम हो रहा है। जितना निवेश रेलवे में अभी ये सरकार कर रही है, उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ है। निवेश बढ़ाने के साथ ही अब दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने पर भी बल दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे की क्षमता में बढ़ोतरी और माल ढुलाई में आसानी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से लेकर यूपी के दादरी तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसी तरह कोलकाता से लुधियाना तक
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। अगले तीन साढ़े तीन साल में ये प्रोजेक्ट पूरा करने लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जो कंजेशन है वो कम होगी, यात्री ट्रेनों का समय बचेगा और रेलवे की ट्रांसपोर्ट क्षमता भी बढ़ेगी। साथियों, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट आधुनिक रेलवे निर्माण के विजन का इंटीग्रल पार्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इसका भूमि पूजन हुआ है और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, भूमि पूजन आज हुआ है, आजादी के 70 साल हुए हैं, साबरमती आश्रम की शताब्दी मना रहे हैं। मन में इच्छा है, सपना है, जब आजादी के 75 साल हो 2022-23 में, ये हम रेल का काम पूरा करें और जैसा अभय शान ने कहा, हम दोनों बैठ करके उसमें यात्रा करके उसका उदाहरण करें। जापान और भारत ने एक बार ठान ली तो ये भी हम करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ हाई स्पीड रेल एक्सपर्ट तैयार करने के लिए वडोदरा में हाई स्पीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मैं मानता हूं। वडोदरा वर्षों से रेलवे का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इकाई रही है। अब जापान वहां पर हाई स्पीड रेलवे के लिए जिस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी को सिखाने की आवश्यकता है, भारत के नौजवानों, विशेष के गुजरात के नौजवानों को ये अवसर मिलेगा। और जब ह्यूमन रिसोर्स स्किल डेवलपमेंट होता है तो देश की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है, जो एक हाई स्पीड से भी ज्यादा होती है। वो काम अब बड़ौदा की धरती पर होगा, जापान के मदद से होगा और आधुनिक से आधुनिक रेल इंजीनियरिंग का काम है वो, उसके लिए भारत के नौजवानों को तैयार किया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि नए भारत के लिए कितने बड़े सामर्थ्यवान मानव बल को तैयार करने का काम इस एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा होने वाला है। मेरे लिए जितना महत्व हाई स्पीड रेलवे के भूमि पूजन का है, उससे भी कई गुना महत्व देश के नौजवानों को ये आधुनिक ट्रेनिंग देने के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन का भूमि पूजन हो रहा है इसमें है। और ये 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव डालने का काम इससे होने वाला है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े भारत और जापान के सभी प्रतिनिधियों का, कर्मचारियों का एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उनके प्रयास से ये प्रोजेक्ट यहां तक पहुंचा है और अब जमीन पर इसका असली काम शुरू हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को समय से कम समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे और करके दिखाएंगे। एक बार फिर से जापान के प्रधानमंत्री और मेरे परम मित्र श्रीमान शिंजो आबे, श्रीमान आबे शान, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भारत का ट्रेन नेटवर्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जापान की जो कुल जनसंख्या है, हमारे यहां एक सप्ताह में जापान की जितनी जनसंख्या है इतने लोग रेलवे में सफर करते हैं। कितनी विशालता, कितनी क्षमता हमारे पास, स्कोप है, स्पीड है, आपके पास कील है और हम मिलकर के इस नए भारत को नई गति देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार गुजरात वासियों ने जो भव्य स्वागत सम्मान किया, जापान के प्रधानमंत्री की शोभा के अनुरूप किया,
इसलिए गुजरात का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं गुजरात और महाराष्ट्र सरकार दोनों को बधाई देता हूं कि इस काम के अंदर इन दोनों सरकारों ने मिलकर के, भारत सरकार और जापान सरकार के साथ मिलकर के, सारे विषयों को एक बार एक के बाद एक हाई स्पीड से निपटाते गए और पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं गुजरात के मुख्यमंत्री का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।